के जो लोग हैं ना सिर्फ उस ममालिक बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखें जितने भी मालिक हैं वो पाकिस्तान को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन हम बात करें अगर हिंदू धर्म की हिंदू मजहब की तो जो मैं इसके बारे में जानती हूँ उसमें यही बताया गया यही दिखाया गया कि एक जो शादी है वो सात जन्मों तक रहती है और वो जो सात फेरे होते हैं वो सात जन्मों के वादे होते हैं इवन नहीं मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान को वर्ल्ड के अंदर जितने ज्यादा हिंदुस्तान को फॉलो ये भी का तेजी से फैलता जा रहा है कि हर कोई जो है वो उस चीज को पसंद करके अपने अंदर उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है मुसलमान है एक मुसलमान अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है गलत है ना ठीक है और माशरे में अगर एक मर्द ऐसा कर है फिर पीछे से जो उनकी जेनरेशन आ रही वो भी वो यही करते चले हम कल्चर की बात करें रिलीजन की बात करें तो काफी ज्यादा लोग जो है इन चीजों से इंस्पायर होकर अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करते हुए हमें नजर आ रहे हैं अब ये स्वीडन के लोग निकले कल और उन्होंने नारे लगाया इस्लाम को हमारे मुल्क से निकालो इवन के हम मिडिल ईस्ट की भी बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें इवन के स्कूल के बुक के अंदर मायन गीता भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दी है उन्होंने उस चीज को अडोप्ट कर लिया है कि भाई इस चीज को हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे सऊदी और दुबई के बच्चे भी पढ़ेंगे तो ये चीजें जो है तेजी से बढ़ती जाएगी क्या ये इस्लामो है या फिर हमारी अपनी उल्टी हरकते हैं जिनके बाद हमें पूरी दुनिया से निकाला जा रहा है ये क्या आपको लगता है कि आप भारत के अंदर हो भारत के कल्चर को पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक एक्सेप्टेंस मिल रही है वो क्या वजहات है क्यों ऐसा किया जा रहा है देखिए अगर हम बात करेंगे अपने कल्चर के बारे में तो आई एम अ कश्मीरी एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर कल्चर फर्स्ट कि मतलब देयर आर ओनली 29 स्टेट्स इन आर रीजन इन आर इंडिया एंड अगर हम देखेंगे यूनियन टेरीट्रीज़ भी है तो अगर हम यूनियन टेरीट्रीज़ के बारे में बात करें या स्टेट्स के बारे में बात करें एवरी स्टेट एवरी रिजन एवरी यूनियन टेरीट्री इज़ रिच इन देयर कल्चर एंड हैरिटेज सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्सनिक ब्यूटीज़ इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्रैथ टेकिंग मीडोज एंड जे कल्चर प्रोवाइड करता है वैदर वी हैव दैट फेरन कल्चर है हमारी मेहमान नवाजी का तरीका है वी हैव मतलब सो मैनी थिंग्स है जो टूरिस्ट को ट्रैक करती है एंड ये भी कहा जाता है इट इज द क्राउन जेबल ऑफ इंडिया मीन्स कि हमारा ताज है मतलब हमारी कंट्री का ताज माना जाता है तो उसी तरीके से हर एक कल्चर की अपनी अपनी हर एक स्टेट की अपनी अपनी खूबसूरती है जिस तरीके से हम अपने कश्मीर के बारे में बात करें कोलकाता के बारे में बात करें बंगाल के बारे में बात करें राजस्थान के बारे में बात करें दिल्ली के लोगों का अलग होता है लखनवी लोगों का अलग होता है इज चिकनकारी चिकनकारी लखनऊ में ही मतलब होती है और वो बहुत ज्यादा उसकी कड़ाई वर्क की वजह से फेमस होता है सो आर नेशन गिव द मैसेज ऑफ वासुदेवा कुतुम्बकम विच मीनस वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर सो हम लोगों ने ये पैगाम कभी नहीं दिया है हमने वायलेंस को कभी बढ़ावा नहीं दिया हम लोगों ने कभी uh, मतलब कहते हैं ना कि वो लड़ाई को बढ़ावा नहीं दिया वी ओनली टॉक्ड अबाउट पीस प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस सक्सेस इंटीग्रिटी डिग्निटी डेवलपमेंट हाउ वी कैन डेवलप आर स्टेट हाउ वी कैन डेवलप आर स्ट्रीट हाउ वी कैन डेवलप एवरी

मतलब आपका जन्म आपकी मातृभूमि कौन है आपका मतलब बर्थ कहाँ से हुआ है स्टिल मतलब दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कहते हैं ना वो अपना इतिहास अपना अपना हिस्ट्री uh, अपना कल्चर अपना हेरिटेज वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है दैट इज वाई लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते शायद आपके कल्चर को क्योंकि वहां पर आमतौर पर देखा जाए कि आपके कल्चर में एक मैसेज है यू मिक्स द बोथ थिंग्स चाहे रिलीजियस सेंटिमेंट्स यू मिक्स द रिलीजियस बिलीफ यू मिक्स द रिलीजियस सेंटिमेंट्स उसके साथ मतलब आपके जो भी सोसाइटल अफेयर होते हैं या सोसाइटल इशूज होते हैं आप में हमेशा एक

आई थिंक द मेन बायोडाइवर्सिटी विच इज़ इन आवर कल्चर विच इज़ इन आर स्टेट जो हमारे हिंदुस्तान में है जहाँ पे हर कोई आप देखोगे हर किसी रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे वेदर मुस्लिम क्रिश्चन जैन सिख्स बुद्ध अथीस्ट जो गॉड को कुछ लोग फॉलो करते हैं कुछ लोग नहीं करते तो दे हैव देरी सेपरेट कल्चर दे हैव द वेरी यूनिक कल्चर एंड एवरी स्टेट एवरी यूनियन टेरिटरी इज रिच एंड फेमस फॉर देयर ओन कल्चर कश्मीर के बारे में बात करेंगे बाकी स्टेट्स के बारे में हर किसी न किसी चीज की कोई ना कोई खासियत होती है एंड आमतौर पर ये दिखा दिखाया जाता है इट इज फ्रॉम द एनशियट पीरियड दैट पीपल आर लाइकिंग आवर कल्चर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली हमारे हमारे कल्चर में वो एक हेरिटेज है हमारे कल्चर में वो एक रॉयलनेस है वह हमारे कल्चर में वो एक मतलब क्या Peaceful message है वो पीसफुल मैसेज है आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी देखा होगा कि किस तरीके से वर्ल्ड so अगर हम देख देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे दुबई की बात करेंगे अरब कंट्रीज की बात करेंगे या फिर वेस्टर्न कंट्री जितनी भी हैं वहाँ की बात करेंगे यह नबीन हिम मतलब उन्होंने वो कोट पैंट वाला वो वेस्टर्नाइजेशन वो कल्चर वो अडॉप्ट करा होता है आपने हमेशा उनको अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में देखा होगा सो ही इज प्रमोटिंग हिज ओन कल्चर आप लोगों में क्या है मतलब आप लोगों को अपना भी कल्चर नहीं टू बी वेरी फ्रेंक इनफ यू आर ऑल्सो पाकिस्तानी यू आर सींग दिस

बहुत रेयर लोग हैं जो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका कल्चर अब देखेंगे सूट सलवार दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया एंड सर्टनली आप लोगों ने वो अडॉप्ट करा है आप लोगों ने वो इवॉल्व करा है हमारे भारत से लेकिन स्टिल यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग यू आर पीपल ऑलवेज लाइक जिन्ना ने आजाद किया वो किया ये किया तो अपने इतिहास को वो भूल चुके हैं अपने इतिहास को वो बस बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं so, सो जहाँ पे अपने इतिहास जहाँ जो कल्चर जो रीजन, जो कंट्री अपने कल्चर को याद रखी है अपने ट्रेडिशन को याद रखनी है अपने मतलब उस इतिहास को याद रखती है उसको हर कोई फॉलो करना चाहता है एंड यू नो व्हाट इंडियन कल्चर में एक मीरास पाई जाती है एक मतलब एक अलग ही अंदाज होता है दैट इज़ व्हाई एवरीबॉडी इज लाइक वी लव इंडिया वी लव इंडियन कल्चर वी लव इंडियन फूड बिकॉज इट इज प्रेजेंटेबल इट इज प्रेजेंटेड इन अ मैनर कि मतलब वो वो ब्रेथ टेकिंग मैनर होता है वो यहाँ पे मतलब कहते हैं ना दिल में आ जाती है वो बात रीजन आई गेस वी आर प्रमोटिंग अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले धन्यवाद जय हिंद द रीज़न बिहाइंड दिस कि हमारे कल्चर को फॉलो किया जाता है बिकॉज वी आर प्रोमोटिंग आर कल्चर वी आर गिविंग आर कल्चर द इम्पोर्टेंस कि जहाँ पे अन्य देशों के लोग जो है दूसरे कल्चर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं दैट इज़ द रीज़न